हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे राइफलमैन शुभम सिंह जी के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मुकनपुर चौधरिया गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री की 15वीं बटालियन में तैनात किया गया था। उन्होंने इस यूनिट में तैनात रहते हुए कई छोटे बड़े अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा भी किया था। बात है 2017 की, जब राइफलमैन शुभम सिंह जी की यूनिट को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात किया गया था। LOC के बेहद करीब होने के कारण जवान हर समय पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी देते थे। 2017 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था। इस सीज फायर में 35 लोग व 19 सेना के जवान, 4 BSF जवान शहीद हो गए थे। इसी बीच 4 फरवरी 2018 को पाकिस्तान की तरफ से दोबारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास राजौरी जिले की बीमबर गली इलाके में पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। तब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान तैनात थे। उन जवानों में राइफलमैन शुभम सिंह जी भी शामिल थे। इस सीज फायर में छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था, पर हमारे बहादुर जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। राइफलमैन शुभम सिंह जी लगातार अपने हथियार से फायरिंग कर रहे थे। भीषण फायरिंग के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्टों को काफी नुकसान पहुंचाया था, पर इसी बीच एक गोली राइफलमैन शुभम सिंह जी को लग जाती है। गोली लगने के बावजूद वह फायरिंग कर रहे थे। ज्यादा जख्मी होने के कारण फिर उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान राइफलमैन शुभम सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इस हमले में हमारे 3 और जवान शहीद हो जाते हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ हमारे बहादुर जवान को अंतिम विदाई दी गई। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।